नमस्कार, मैं प्रीति राजपूत, आप सभी का स्वागत है समाचार टाइम 24 में। आने वाले साल में अपने आधार कार्ड ऐप के जरिए कर पाएंगे आप अपनी कैशलेस पेमेंट। यूपीआई के लॉन्च के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले समय में हम ऐसे ही और नए प्रयोग देखेंगे। इनमें से ही एक है आधार पेमेंट्स। इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और इसे जल्द ही रोल आउट कर दिया जाएगा। इसकी मदद से यूजर आधार नंबर और बायोमेट्रिक जानकारियों के आधार पर पैसा भेज और पा सकेंगे। पिछले सप्ताह IDFC बैंक ने आधार नंबर पर आधारित नकदी रहित व्यवस्था की घोषणा। डिजिटल पेमेंट्स के लिए रिटेलर के फोन का इस्तेमाल होता है, इसे आधार पे का नाम दिया गया है। इसके NPCI, UIDAI और IDFS बैंक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। नई व्यवस्था को पिछले 3 दिनों में 100 दुकानदारों के लिए रोल आउट किया गया है। इसमें भुगतान के लिए आधार और UPI का इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के सिडकी गांव से की जा रही है, जिसके लिए वहां के लोगों को फ्री में स्मार्टफोन मुहैया कराए जा रहे हैं। इस दौरान SBI ने घोषणा की है कि उसने महाराष्ट्र के पेन तालुका के सिडी गांव को आधार पेमेंट्स की टेस्टिंग के लिए गोद लिया है। इस गांव के दुकानदारों को एंड्रॉयड स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट स्कैनर मुहैया कराए गए हैं, ताकि वहां नकदी रहित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। UPI बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ी खोज है। यह आपकी पहचान करने के लिए आपके मोबाइल का इस्तेमाल करता है और मोबाइल को डेबिट कार्ड में तब्दील कर देता है, जिससे आप कहीं भी भुगतान कर सकते हैं। एक वाक्य में कहें तो UPI के जरिए आप तुरंत IMPS पेमेंट फ्रेमवर्क के जरिए बिना अकाउंट नंबर जाने अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बस उनकी वर्चुअल पहचान पता होनी चाहिए। आधार को UPI का सहायक आधारभूत ढांचा माना जाता है, जिसकी मदद से आधार पेमेंट्स होते हैं। इसकी मदद से आधार में दी गई बायोमेट्रिक जानकारियों की वेरिफिकेशन के बाद उन अकाउंट से भुगतान संभव होगा जो आधार से लिंक है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपका POAS टर्मिनल की जगह फिंगरप्रिंट रीडर से सामना होगा। आधार पेमेंट्स की ये सुविधा अभी शुरुआती चरण में है। IDFC बैंक ने 100 दुकानदारों के लिए ये सुविधा अभी उपलब्ध कराई है। SBI ने महाराष्ट्र के एक गांव को आधार पेमेंट्स के लिए गोद लिया है और IDFC ने 100 दुकानदारों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई है। यह आंकड़ा इतना छोटा है कि आपकी इस व्यवस्था से सामना होने की संभावना बेहद ही कम है। जैसे ही यह व्यवस्था और लोकप्रिय होती है, आपको यह करने की जरूरत होगी। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। अगर आपने पहले से लिंक नहीं किया है तो बैंक जाकर आधार का ब्यौरा साझा करें। हालांकि कई लोग इससे निजता का उल्लंघन मान रहे हैं, लेकिन अगर आप इस व्यवस्था की कमियों और खूबियों पर गौर करें तो आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। इसके बाद आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही मॉलों और दुकानों पर भी आधार पेमेंट्स के जरिए भुगतान करना होगा आसान। दुकानदार के पास आधार पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बैंक अकाउंट, एंड्रॉयड स्मार्ट और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। व्यापारी को अपने फोन में आधार पेमेंट का ऐप इंस्टॉल करना होगा। यह अभी गूगल प्ले पर नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी इस व्यवस्था के लिए बैंकों द्वारा भुगतान किया जा रहा है। जैसे जैसे यह चलन में आएगा, व्यापारियों को POS मशीन की तरह इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। स्टोर में भुगतान करने के लिए आपको बस अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग होगी। अब आप आधार से जुड़े बैंक को चुनें और फिर भुगतान हो जाएगा। आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कोई वॉलेट नहीं चाहिए और ना ही पास में स्पेशल कार्ड होना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार का ये कदम भारत के कैशलेस देश बनने की मुहिम में कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। बढ़ती उम्र के बच्चों को लगने वाली चोट,